जजशिरादे इस बार माघी अमावस्या के अवसर पर सोमवती अमावस्या का विशेष योग बन रहा है। माघी अमावस्या जिसे आप मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, अर्थात तो मौन रहकर गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हम लोग सोमवती अमावस्या कहते हैं। एक विशेष आग्रह करूंगा, ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं और आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध नहीं होते, ऐसे साधारण लोगों के लिए सोमवती अमावस्या किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों को क्रूर ग्रहों का भय सता रहा हो, पितृदोष हो जिनका, उन लोगों को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क विधि है, मैं इससे पूर्व एक वीडियो में बता चुका हूँ। करना क्या है, एक सकोरा लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए और बीचों बीच में एक दीपक सजाइए, और जातक यानी जो पीड़ित हो वह अपने आप को उस तेल में देखे और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पीपल के वृक्ष के नीचे उस दीपक को प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 108 परिक्रमा कर ले। क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए भगवान नारायण समस्त देवी देवताओं के उद्गम है, मूल है वो, तो उनकी परिक्रमा करने से समस्त देवता तुष्ट रहते हैं। तो इस बार माघी अमावस्या का जो योग बन रहा है वो 31 जनवरी को भी और 1 फरवरी को भी, क्योंकि यद्यपि 31 जनवरी को 2:15 के बाद 2:15 से शुरू होगी और अगले दिन अर्थात 1 फरवरी 2022 को सवेरे 11:15 तक रहेगी। एक बार फिर सुन लीजिए, तो सोमवार को पड़ेगी इसलिए सोमवती अमावस्या भी है, और अगले दिन सुबह चूंकि मौनी अमावस्या भी है, हम लोग चूंकि मौनी अमावस्या कहते हैं माघी अमावस्या को, तो उस दिन दान पुण्य का विशेष योग बन रहा है। और इस बार एक बहुत सुंदर योग बन रहा है 1 फरवरी को, जिसे हम कहते हैं महोदय योग, इसका विशेष लाभ लीजिए। महोदय योग के विषय में कहते हैं कि प्राचीन काल में तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि कलश में सोना चांदी हीरे मोती अथवा धन रखकर दान करते थे ताकि उनका राजयोग बना रहे, तो महोदय बना देते हैं। कहते हैं राजनीति में किसी को महोदय बनना हो, सर्वश्रेष्ठ बनना हो, शासन करने का अधिकार प्राप्त करना हो, तो इस महोदय योग में दान पुण्य करना चाहिए। इस महोदय योग में आप गंगा स्नान करें, और ये महोदय योग जो लगेगा ये सुबेरे 6:41 से लेके और 11:15 तक रहेगा 1 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा महोदय योग। तो जिन लोगों को अपनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी हो उन लोगों को 1 फरवरी को गंगा स्नान करके, और आप भी कलश में अपने सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण दान हो, चांदी का दान हो, मोती का दान हो, अथवा धन का दान आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसे लोग जो असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं तो सोमवती अमावस्या को वो लोग अपने पितरों के निमित्त भी दान पुण्य कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, और उस दिन 31 जनवरी को सोमवती अमावस्या के साथ साथ चूंकि 2 बजे से पहले तक चतुर्दशी तिथि है, तो महाशिवरात्रि का भी योग बन रहा है। तो जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं अथवा जिनके रक्त विकार होते हैं, यानी जिनके ब्लड में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, रक्त विकार हो, खाज खुजली हो, तो ऐसे लोगों को उस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो किस प्रकार से कराना चाहिए, उस दिन एक विशेष गिलोय का अभिषेक यदि आप करें, जो बीमार रहते हैं उनके लिए गिलोय का अभिषेक, और जो आर्थिक रूप से बिजनेस व्यापार में जिनका घाटा हो उन लोगों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः, यानी 31 जनवरी को सुबेरे से लेके दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद में सुबह सोमवती अमावस्या का भी आनंद लें आप। तो इस प्रकार से यानी उस दिन शिव चतुर्दशी भी है और आपका एक प्रकार से सोमवती अमावस्या का भी योग बन रहा है। अच्छा, अब एक कुछ लोगों का एक आग्रह था कि नारायण कवच धारण करने का जो दुर्लभ अवसर है वो कौन सा पड़ता है। तो इस बार मैं एक विशेष बात आपको बताऊं कि नारायण कवच धारण करने के 2 प्रकार के वर्ग हैं।
एक वो होते हैं जो पितृ दोष से पीड़ित हैं, ध्यान इसको ध्यान से सुनिए, यदि आप क्रूर ग्रह से पीड़ित हैं अथवा पितृ दोष से पीड़ित हैं, शनि राहु केतु आदि की महादशा से पीड़ित हैं, और यदि रक्त विकार है अथवा भूमि का कोई विवाद चल रहा हो अथवा अदालत में कोई मामला मुकदमा पेंडिंग हो और वो अदालती कार्रवाई चल रही हो और उसका निर्णय नहीं आ रहा हो, तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए नारायण कवच धारण करने का सबसे उत्तम योग इस बार जो बन रहा है वो बन रहा है महोदय योग में, अर्थात 1 फरवरी को सुबेरे 6:41 से 11:15 तक आप नारायण कवच को धारण करें तो आपको निश्चित रूप से तीनों योग का फल प्राप्त होगा। और ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में सफलता के लिए अथवा परीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा हो, प्लेसमेंट में कोई बाधा हो, नौकरी चाकरी में कोई बाधा हो, किसी भी प्रकार के अथवा वैवाहिक संबंध करने में कोई बाधा हो, किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा हो उसके लिए, अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य बाधा हो किसी भी कार्य के शुभारंभ करने में, दुकान मकान व्यापार आदि, तो उसके लिए नारायण कवच धारण करने का जो सर्वोत्तम तिथि माना गया वो पुष्य नक्षत्र में अथवा पूर्णिमा तिथि को, या तो पूर्णिमा तिथि हो अथवा रवि पुष्य में हो अथवा गुरु पुष्य में हो, दोनों में ही आप धारण कर सकते हैं। तो मैंने दो बातें बताई नारायण कवच के लिए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पितृ दोष से पीड़ित है तो सोमवती अमावस्या को धारण करें अथवा इस बार मौनी अमावस्या और जो महोदय योग बन रहा है उस दिन आप धारण करें, और यदि आप रक्त विकार से पीड़ित हैं अथवा किसी प्रकार के भूमि विवाद आदि चल रहा हो तो उसके लिए भी आप मौनी अमावस्या को अथवा सोमवती अमावस्या को धारण कर सकते हैं, है ना। केवल शिक्षा वाले विद्यार्थी, नौकरी चाकरी व्यापार आदि, ये सब लोग केवल पूर्णिमा अथवा पुष्य नक्षत्र को धारण करें। तो इस बार आप 31 जनवरी और 1 फरवरी इन दोनों दिन का लाभ उठाइए और जीवन में आनंद रहिए, हरि नाम का आश्रय लीजिए, और जो लोग इस अवसर से चूक जाते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लीजिए, 540 महामंत्र लिखकर प्रेषित कीजिए, और उसके बाद आप जो नाम मंत्र प्राप्त करते हैं उसे 3 घंटा 35 मिनट प्रतिदिन दृढ़ निष्ठा के साथ, गुरु निष्ठा के साथ आप पंचरति भाव से जप कीजिए। देखिए, नाम जप का प्रभाव प्रत्यक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप पंचरति भाव में, कई बार अपने हथेली के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया है, जिनमें गुरु भाव, इष्ट भाव, आर्त भाव, विधि और निषेध का, इन पांचों का सामंजस्य हो तभी नाम जप का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। आप सबको जय जय श्री राधे।